मैं डॉक्टर मेरा मिर्चना से पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिप प्रॉब्लम पर। खुले की हड्डी में जो बीमारियाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और या फिर घुटने में हो जाती हैं, इन दोनों का ताल्लुक एक ही होता है, लंगड़ापन आ जाता है। इसके सिम्टम ये हैं और खुले के जोड़ में, जॉइंट में पूरी तरह वो हिल जाता है, बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। कभी कभी हल्का बुखार भी हो जाता है। घर पर अगर आप इलाज करें, अगर बच्चा है या बड़ा है तो उसके बच्चे चलने मत दें, उसे बिल्कुल आराम करवाएं। अगर आराम ना आए तो आराम करने से, अगर उसको आराम नहीं आ रहा, पेन हो रही, तो आप ज़रूर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि घुटने में दर्द भी खुले की बीमारी की एक अलामत हो। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो उसका मतलब है कि इट्स मीन कि आपके खुले में कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द आ रहा है। शदीद जो आर्थराइटिस होता है उसकी मर्ज़ में भी खुले में लंगड़ाने की अलामत पाई जाती है। इंसान लंगड़ा के चलता है, पेशेंट अगर दर्द के साथ बुखार भी है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बर वक्त आप डॉक्टर के पास जाएं। खुले के चंद अमराज का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो खुले का जोड़ हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए खुले के जोड़ का, तो फिर वो पेशेंट जो ऐसा ऐसा उठने से भी कासिर हो जाता है और वो चल भी नहीं पाता डंडे के बगैर या स्टिक के बगैर, वो चल नहीं सकता। बच्चे में अक्सर खेल कूद में गिरने की वजह से चोट लग जाती है और दर्द भी हो जाता है। घुटने में अक्सर हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी इतने ख़तरनाक हद तक नहीं जाता, लेकिन मोच आना, इसके अलावा ग्रोइंग पेन हो जाती है बच्चों को, कभी आर्थराइटिस हो जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और खुले की हड्डी तक उनका दर्द जाता है, खुले के जोड़ को भी वो मुतासर कर देता है आर्थराइटिस। अक्सर नौजायदा बच्चों में घुटने के बल चलने की आदत होती है, अक्सर बच्चे घुटने के बल चलते हैं और बच्चों को घुटने के ऊपर चोट लग जाती है, कभी खुले के मुकाम से वो सड़क जाता है, हड्डी सड़क जाती है, इस वजह से भी खुले के जोड़ में ना दर्द हो जाता है। खुले में दर्द की तीन खास वजूहत हैं जो अक्सर बच्चों में देखी जाती है। अक्सर जो खुले के जो जोड़ होते हैं, हिप जॉइंट में, चोट की वजह से दर्द उठता है। बाज़ दफ़ा बचपन की चोटें होती हैं जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमज़ोरी आ जाती है तो वो नमदार होती हैं। इसके अलावा जो बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभी जांग जो होती है, थाइस की जो हड्डी होती है इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है मुलायम होता है, वो नकारा हो जाता है। इसकी वजह अभी तक डॉक्टर्स को, मतलब जो रिसर्च करते रहते हैं डॉक्टर्स, उन्हें भी अभी तक इसकी असल वजह पता नहीं चल सकी कि ये क्यों होता है, किस वजह से हो जाता है। अक्सर लड़कियों की नस्बत लड़कों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है और इस मर्ज का इलाज जो है वो अगर ना किया जाए तो ये नकारा हो जाता है, ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। और जिस तरह के पोलियो के पेशेंट होते हैं जिनके जोड़ बिल्कुल काम नहीं करते, टांग बिल्कुल काम करना छोड़ देती है और स्टिक से चलना पड़ता है, उसकी वजह से ये मसले आ सकते हैं अगर आप बर वक्त इलाज नहीं कराते। चोट लगने की सूरत में आपने उस वक्त भी आपने जाके एक्सरे वगैरह करवाना है, इसे संजीदगी से लें और जाके एक्सरे वगैरह करवाएँ ताकि पता चल सके कि जोड़ उतर तो नहीं गया। अगर ऐसा होता है तो इन बातों का ख्याल रखें और फौरन डॉक्टर के पास जाएं। इसमें हल्का बुखार भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, इसके अलावा टांग सीधी नहीं होती, मुड़ जाती है, मुड़ने वाली अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घूम जाती है, तो इसके लिए आपको बर वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जैसे भी कहते हैं MRI करवा लें या CT स्कैन करवा लें या एक्सरे वगैरह करवा लें, तो आपने वो लाजम करवा लें। शुरू में ही आप उसे जल्दी आप इसका चेकअप करवा लेंगे तो आर्थराइटिस जैसा जो बड़ा मर्ज बन जाता है वो नहीं होगा। स्लिप एपिफाइटिस वो सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है और इस मर्ज में आपने बिल्कुल देर नहीं करनी। कई माह तक बच्चे का चलना फिरना बंद कर दिया जाता है और उसकी जो अलामत यही होती है कि बच्चा चल नहीं पाता और बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस सूरत में आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है और बर वक्त उसका इलाज करवाना है।
आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, पाकिस्तान।